काहे तना भूख लाग रही छे भगवत? हाँ यार मने भूख लाग रही छे, चल बाजार में काहे देखा खाबा के लिया। भगवत देख उन्ने मूंगफली छे, मने बहुत बढ़िया लागा है। कोई बात कोनी, आपा मूंगफली चुरा कोन रहा, बस चख रहा छा। बदमाशो, बेटा काई हो, थे ठीक तो छो ने? आपा कोड़ी छा? थे लोग सौभाग्यशाली छो जो माँ की सत्संग में आया छो। आज आपा लोग बात करंगा कि परमात्मा चाहो छे कि आपा लोग चोरी ना करा। हाँ मैं सोचू छू थाको यो विषय चोरी करबा का बारा में बहुत अच्छो छे। मैं जानू हूँ कि चोरी करवो अच्छी बात कोनी, पर मैं काई करूँ, कदे कदे मैं खुद पर काबू कोनी रख पाऊं। थाके पास वह शक्ति कोनी जिसु थे अपने आप पर नियंत्रण कर सको। थाने कोई इसी मान शक्ति की जरूरत छे जो थाने बुरा कामा से बचा सके। मैं ताकतवर छू, मने कोई सहायता की जरूरत कोनी। आ ठीक छे ठीक छे, मने थोड़ी सहायता चाहवे। वास्तव में जो एक ही मनक छे जो आपने बुरा कामा पर काबू पाबा के लिया और पुनः जन्म चक्कर तोड़बा की शक्ति दे सके छे। ई नारियल के माया गुप्त सामर्थ का राज छुपया छे। नारियल? हे मारा भाईला, मैं चाहूं छु कि मैं थाने एक महान मनक के बारे में बताऊं छु। ई अद्भुत रूप सु महाराज यीशु इस संसार में पैदा हियो एक शक्तिशाली तारा की रोशनी के नीचे। तीन राजा वाने पूर्व की ओड़ी सु देख बे आया था। जिया जिया वे बड़ो हियो, बहुत सारा विद्वान ने उन्हें अपना आत्मिक बातों से चकित कियो। यीशु महाराज बहुत शक्तिशाली होवे। हे मारा प्रिय भाईला, वे परमेश्वर जी ने संसार की रचना कियो, यीशु को एक चोखो बेटो छे, प्रकृति भी की आज्ञा पालन करे छे। एक दिन वे अपना चेला के साथ नाव में सो रियो छो। उगड़ी एक बहुत तेज आंधी आई, यीशु का चेला डर गया और वाने यीशु महाराज को नींद सु जगायो। यीशु ने आंधी और लहरा ने रुकवा को हुकुम दियो और उई घड़ी आंधी और लहरा रुक गई। एक दिन यीशु मसीह का दोस्त लाजर मर गयो। यीशु लाजर की कब्र पर पहुंचो चो, जद लाजर मरिया हुआ चार दिन हो गया था। जद यीशु मसीह ने लाजर को नाम लेर बुलायो, जद लाजर दोबारा जिंदो हो गयो और वह पूरी तरह ठीक हो गयो। एक दिन यीशु मसीह 5,000 लोगों ने शिक्षा दे रियो छो और वे मनखा ने भूख लागी। उन्हें एक लड़का के न्या 5 रोटी और 2 मछलियां छी। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां लेर आशीष दियो और चमत्कार सुन सभी लोगों ने खिलायो। खाबा के बाद भी बहुत सारो खानो बच गयो। यीशु मसीह सबकी आवश्यकताओं को ध्यान रखे छे, अपना लोगों से बहुत प्यार करे छे। पर भागवत जानबो चाहो छे कि ई सब को नारियल से काय लेनो देनो छे? यीशु मसीह संसार में आयो, आपा सु प्यार करे छे, अपनी मदद भी करे छे, लेकिन कुछ लोग उसु नफरत करे छे, उन्हें मारबा की भी चाहो छे। यीशु को सरकार के द्वारा पकड़वायो गयो, उनकी मौत की सजा सुनाई गई। यीशु ने पहाड़ी के ऊपर ले जार उनका हाथा और पैरा में कीला ठोक्यो और उन्हें सूली पर लटकायो।
जब वे अपनी आत्मा ने अपने पिता के हाथों में सौंप दियो और मर गयो। थोड़ा रुको, अगर भगवान यीशु इतना ताकतवर था तो वे मर क्यों गया? वे सूली से नीचे क्यों नहीं आया? बहुत चौखो प्रश्न छे। उकी मृत्यु एक दुर्घटना कोनी ची, वे एक उद्देश्य के लिए मर गियो। जिया नारियल टूट्यो वियाई यीशु का शरीर का भी बलिदान हियो ताकि आपा बच सका। वे रक्त यीशु ने बायो, उही रक्त में अपना पापा ने क्षमा करवा की भी शक्ति छी। तो कहीं बाकी मृत्यु में भी शक्ति छी और हंडई खत्म कौन हो? तो यीशु मसीह का मरवा के बाद उका चेला ने उका शरीर ने कब्र में रख दियो। फिर 3 दिन के बाद यीशु दोबारा जिंदो हो गयो और कब्र में सु बाहर आ गयो। उका बाद उका चेला के सामने प्रकट हियो और वह दर्शन दियो। उका बारे में जार सारा जगत में बतायो। यीशु ने अपना चेला सु वादो कियो एक दिन वे शक्ति और महिमा के साथ वापिस आवलो। उके बाद वे स्वर्ग में चले गयो और अब तक स्वर्ग में ही छे एक राजा के रूप में। केवल यीशु महाराज की आज्ञा को पालन करवा सु ही और उके ऊपर विश्वास करवा सु ही अपना सब पापा सु मुक्ति हो सके छे। मोर भगवत महाराज यीशु का चेला बनवो चावा और वहां पर विश्वास करवो चावा। बहुत चोखा छे मारा प्यारा बच्चा। बदमाश, अंत मजार मिल ही गया। मां दोना ने माफ कर दियो मूफली चुरावा ने। बधा दोना ने माफ कर दी। लो और मूफली लो। चाला अपन मिलकर उको धन्यवाद करा। आनंदित हुआ और अपना चोखा यीशु के नाम में। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी पाट यीशु जी मारा लाड केला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी पाट यीशु जी मारा लाड केला।